The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में डॉक्टर एजुकेशन. और आज हम आपको बताएंगे अबाउट ईयर इन्फेक्शंस. कान के अंदर इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, काइको होता है, कौन करता है, कौन उसके ज़िम्मेदार हैं, आज हम जानेंगे. सो इन्फेक्शन इन द ईयर, उसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ईयर को के किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन को, जिसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं ओटाइटिस. ओटाइटिस, ओटाइटिस इज द टर्म गिवन फॉर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर. कानों के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को कहते हैं ओटाइटिस. और ईयर में टेक्निकली आपके तीन पार्ट होते हैं, इनर ईयर, आउटर ईयर और एकदम होता है मिडल ईयर. मिडल ईयर, इनर ईयर, आउटर ईयर. सो आपके इन तीनों में किसी भी पार्ट का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है. और इसको डिवाइड किया गया है दो प्रकार में, एक्यूट या क्रोनिक. यानी एकदम अभी हुआ तो सडनली स्टार्ट होने वाला, शॉर्ट टर्म पीरियड में होने वाला इन्फेक्शन, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, दिक्कत देने वाला होता है, जिसके चलते आपको दवाई लेनी पड़ जाती है. और एक क्रोनिक होता है, मतलब वो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, जा ही नहीं रहा, या फिर बार बार होने की वजह से ईयर जो है वो परमानेंटली आपका डैमेज हो रहा है. दैट इज़ अ क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन. अगर ईयर के बाहरी हिस्से में, यानी बाहर का जो जहाँ पे आप ईयरबड डालते हो, उस कनाल में, एक्सटर्नल ईयर कनाल में इन्फेक्शन है, उसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना. जो ज़्यादा स्विमिंग करने वाले लोगों को होता है, स्विमर्स ईयर, आउटर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है. इसमें ज़्यादा सिवियर हो जाए तो फिर वो अंदर मिडल ईयर तक पहुँच सकता है, बोन्स और कार्टिलेज अराउंड द ईयर तक. फिर होता है मिडल ईयर. मिडल ईयर यानी ईयर में जहाँ पर आपके ईयर ड्रम, कान के पर्दे के पीछे अगर इन्फेक्शन चला जाए तो उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, मिडल में है. और अगर उसके अंदर चला जाए तो ओटाइटिस इंटरना इन्फेक्शन. और मीडिया में, मीडिया मतलब मिडल ईयर में पानी भर सकता है, यानी वहाँ पे, क्योंकि टेक्निकली इट कैन कॉज इफ्यूजन. इफ्यूजन यानी वहाँ पे सीरस इन्फ्यूजन, थिक फ्लूइड बन सकता है जो ईयर ड्रम के बीच में आ सकता है और फिर आपको जो है सुनाई देना बंद हो सकता है कुछ वक्त के लिए. सो इसको हम कहेंगे ईयर इन्फेक्शन के बारे में. और आज हम बात करेंगे एक्यूट ईयर इन्फेक्शन के बारे में, कि भाई एकदम से ईयर इन्फेक्शन हुआ. मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसमें बच्चों को पेरेंट को अस्पताल लेके जाना पड़ जाता है. मोस्ट कॉमन ईयर में इन्फेक्शन होता है, एक्सटर्ना नहीं, इंटरना नहीं, ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर में इन्फेक्शन जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है. और ये होता है मिडल ईयर के अंदर स्वेलिंग या इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, लाइक ईयर ड्रम के पीछे, आपके कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन हो रहा है. याद रखिए, एक्यूट इन्फेक्शन है तो शॉर्ट टर्म में हो रहा है, पेनफुल है. और ईयर इन्फेक्शन जो लंबे समय तक होता है उसको हम अलग से क्रोनिक कहते हैं. अब एक्यूट क्यों होगा, याद रखिए, मिडल ईयर से कान का एक कनेक्शन है, आपके गले का एक कनेक्शन है, कान का गले का कनेक्शन जो है, दैट इज़ अ कनेक्शन विच इज़ कॉल्ड ईयोस्टीशियन ट्यूब. सो ईयोस्टीशियन ट्यूब जो है वो क्या होता है, मिडल ईयर को आपके गले से, थ्रोट से कनेक्ट करती है, नाक और गले से. याद रखिए, नाक के अंदर से पीछे ईयोस्टीशियन ट्यूब जाती है, नाक और थ्रोट के पीछे नेसोफेरिंग्स में जाके वो कनेक्ट करती है. और उसमें क्या है, और हाँ, हेलो बोल दो. हाँ बच, चलो जाओ खेल, बाय. सॉरी, हालत खराब है बच्चे की, थोड़ी सी बाल की. अब बाय बच, चलो जाओ, स्लाइड करो. ऑलराइट, सो ईयोस्टीशियन ट्यूब होता है. और ईयोस्टीशियन ट्यूब जो है कान से आपके नाक के और मुंह के पीछे साइड में, वहां पे जाके मान लीजिए जुड़ता है. अगर ये ईयोस्टीशियन ट्यूब जो है, नॉर्मली क्या होता है, मिडल ईयर में जो भी पानी फ्लूइड बनता है वो बाहर ड्रेन करके मुंह गले के पीछे आ जाता है. अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो गया तो आपके कान में फ्लूइड बनने लगेगा और फ्लूइड जमा होके ब्लॉक करके ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा. मोस्ट कॉमन रीज़न है ये ईयोस्टीशियन ट्यूब ब्लॉकेज. और इन्फेंट, छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, उनमें ये बहुत इजीली बंद हो जाता है, इसीलिए बच्चों में ईयोस्टीशियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से मिडल ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमनली हो जाता है. ये बात हो गई ईयोस्टीशियन ट्यूब की. अब ये एडल्ट में भी हो सकता है, जैसे ईयोस्टीशियन ट्यूब ब्लॉकेज.
लेकिन बच्चों में ज्यादा कॉमन है. बाय. ठीक है. सो दैट इज देयर. आप ऐसा करो, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, खेलो. ठीक है. हाँ, बाय कर दो सबको. बच पापा को बोलने दो. सॉरी. सो एनीथिंग दैट causes eustachian tube to become swollen or block will cause ear infection. ठीक है. अब इसमें एलर्जीज हो सकती हैं, इसमें कोल्ड, साइनस इन्फेक्शंस, आपके एक्सेस म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, और या फिर सलाइवा ज़्यादा बन रहा है टीथिंग के टाइम पे, वो भी कर सकता है ब्लॉकेज. कई बार एडेनॉइड्स बड़े हैं, लिम्फ टिश्यूज बड़े हैं गले में, या इवन स्मोकिंग करने से भी ईयरस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है. ईयरस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होता है तो उसके वजह से ईयर इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. नो बाबू, इधर देखो कौन है बाहर, बाहर कोई है? ठीक है. रिस्क फॉर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट किसको होगा रिस्क. अब देखिए, विंटर के टाइम पे वैसे ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और ऐसा नहीं है कि एक बंदे से दूसरे में बंदे में इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोल्ड के वजह से अगर ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, सो कोल्ड का इन्फेक्शन कोल्ड दूसरे तीसरे में फैल सकता है, और उसके वजह से आपको इन्फेक्शन फैल सकता है. अब रिस्क एक्यूट इन्फेक्शन का क्या है? तुम ना गिराओ, तुम ना मस्ती कर रहे हो, तुम इसलिए गिरे, 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 जाओ खेलो उधर, चलो गो इधर खेलो, इधर ही है मस्ती कर रहे. सो रिस्क फैक्टर फॉर ईयर इन्फेक्शन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. पहले तो अगर आप कई सारे, सबसे पहले झुंड में अगर बच्चे जा रहे हैं, डे केयर हो गया, उसमें क्या है, एक को भी इन्फेक्शन है कोल्ड सबको हो जाएगा. मान लो अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं क्लाइमेट में, ठीक है, तो भी हो सकता है. मान लो अगर आपके कोल्ड क्लाइमेट है तो भी, स्मोक से एक्सपोजर हो रहा है तो भी हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री है ईयर इन्फेक्शन की. अगर आप बच्चों को पैसिफायर दे रहे हैं या अभी अभी ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो भी हो सकता है. कोई भी रिसेंट इलनेस हो किसी भी प्रकार की जिसमें आपके बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए तो आपको ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं. अगर आपको ईयर इन्फेक्शन हो गया तो कान में दर्द होगा, कान भरा भरा लगेगा, कभी कभी वॉमिटिंग, नौजिया, हियरिंग लॉस, और जनरलाइज्ड फीलिंग होगी कि हमें कुछ गड़बड़ हो गई है. ईयर से कभी कभार ड्रेनेज भी हो सकता है, जब आपके कान का पर्दा फट जाए तो थोड़ा बहुत ड्रेनेज भी हो सकता है, उस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. ऑलराइट. और उसके अलावा ज़्यादातर ईयर इन्फेक्शन जो हैं आपको आराम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, बल्कि जाना चाहिए, एक बार ही पता चल जाएगा. सो अगर आपको किसी प्रकार से डलनेस, रेडनेस हो रहा है, एयर बबल ईयर ड्रम में लग, मतलब ब्लीडिंग, ब्लड आ रहा है, या कान से सुनाई कम दे रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर ओटोस्कोप से अंदर देखेगा कि आपके एरियाज अंदर कान का क्या हालचाल है, और ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे. ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, कई बार ईयर में देखो, वैसे तो हर एक को कई, ज़्यादातर तो केसेस में, कुछ केसेस में ईयर इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक के. पेन को ट्रीट करना पड़ता है, इसीलिए पेन किलर खाते हैं लोग. और हमें क्या करना होता है, इफेक्टेड ईयर में हम गरम क्लॉथ या गरम वाटर बॉटल बाहर से लगा सकते हैं, जिसमें हमें थोड़ा आराम मिलेगा. ओवर द काउंटर पेन किलर ले सकते हैं जो आराम करेंगे. उसके अलावा ब्रूफेन, एसिटामिनोफेन जो ओवर द काउंटर आते हैं वो ले सकते हैं. बच्चों के लिए 6 महीने से यंग है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. 6 महीने के ऊपर है तो फिर आप अगर बुखार 102 के ऊपर है, सीवियर पेन है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. नहीं है इम्प्रूवमेंट तो एंटीबायोटिक्स में वायरल है या बैक्टीरियल है ये देखना ज़रूरी है. वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, बैक्टीरियल लग रहा है तो भी देना पड़ता है. उस केस में अगर पस दिख रही है तो करना पड़ता है, अंदर पस दिख जाती है ओटोस्कोप से. अगर बच्चे की उम्र 2 साल से नीचे है, फीवर है, बच्चा बहुत सिक लग रहा है, तो बिल्कुल जाना चाहिए. एंटीबायोटिक अगर दे रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करिए. आराम तो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन में, लेकिन कोर्स पूरा कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो बार बार इन्फेक्शन, क्रोनिक होने के चांसेस हैं.
साइड इफेक्ट्स एंटीबायोटिक के भी होते हैं, नौजिया वॉमिटिंग डायरिया हो सकता है, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता, हो तो डॉक्टर से बात करें। बच्चों को रिपीटेड इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो फिर उनके लिए डॉक्टर ENT सर्जन ENT डॉक्टर को बच्चों के कान, उनके मुंह के अंदर का एग्जामिनेशन, नाक के अंदर एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। कई बार अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो फिर कान के अंदर एक छोटी ट्यूब डाली जा सकती है, ताकि वो जो कान का जो ईयर ड्रम है, ड्रम के ऊपर एक आर पार बना दिया जाता है रास्ता, कि जरा भी इन्फेक्शन अंदर हो तो बाहर पानी निकलते जा सके, तो आपका इन्फेक्शन ना हो। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, वन टाइप ऑफ सर्जरी। और अपने आप ये ट्यूब जो है बाद में गिर जाती है, अगर ये नहीं गिरती है तो बाद में ये निकाली भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। एडिनॉइड्स अगर ज़्यादा बड़े हैं, उसके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो एडिनॉइड्स को निकाला जा सकता है, उसकी भी एक ऑपरेशन होता है। तो इस तरीके का किस्सा है, बहुत मेजर इन्फेक्शन नहीं है, मेजर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है और बहुत सीवियर हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना आपका काम है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पॉसिबली ज़्यादा दिक्कत हो गई, कभी कभी रेयर केसेस में ये कान का इन्फेक्शन आपके मैस्टॉइड यानी आपके स्कल के आसपास के जो टीथ है, टीथ के आसपास के बोन है, उसमें इन्फेक्शन फैला सकता है। बहुत रेयरली दिमाग में इन्फेक्शन मेनिनजाइटिस करके हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए अगेन हैंड वॉश अच्छे से करना है, डे केयर में ध्यान रखना है कि वहाँ सारे बच्चे हेल्दी और अच्छे डे केयर में जाए। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग इससे बचाती है, छोटे बच्चों के इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और एंटीबायोटिक ओवर यूज़ नहीं करना, और एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो तो कोर्स कंप्लीट करना, ये बेसिक है। कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स खुद से मत लीजिएगा, डॉक्टर अगर देते हैं तो सही है, वरना नहीं। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आपको जो जानना चाहिए। थैंक यू सो मच, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, और मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच।